ग्वालियर के रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस में दो महिलाएं गिनी पिग के लगभग 40 बच्चे छोड़ के चली गई हैं। इन्हें संभालने के लिए रेलवे पार्सल ऑफिस स्टाफ को पसीने छूट गए हैं। दरअसल 3 दिन पहले दो अज्ञात महिलाएं ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस पहुंची, अपने साथ यह गिनी पिग लेकर आई थी। महिलाओं ने पार्सल ऑफिस में इन गिनी पिग को दुर्ग जाने के लिए बुकिंग कराना चाहा, लेकिन जब रेलवे पार्सल ऑफिस ने इन गिनी पिग के दस्तावेज उनसे मांगे तो ये महिलाएं गायब हो गई। ऐसे में रेलवे पार्सल ऑफिस के कर्मचारियों और अधिकारियों को गिनी पिग को संभालना मुश्किल हो रहा है। इनके खाने पीने आदि की देखरेख करनी पड़ रही है। पहले रेलवे पार्सल ऑफिस के लोग गिनी पिग को खरगोश के बच्चे समझ रहे थे, लेकिन बाद में जब ग्वालियर चिड़ियाघर प्रबंधन से संपर्क किया गया तो चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बताया कि ये गिनी पिग है। जानकारी मिली है कि कुछ एक या दो लोग इसको बुक कराने के लिए आए थे और वो बुक नहीं करा पाए किसी कारण से, और वो अपने ट्रेन से चले गए, उनको छोड़ के चले गए। अब हमको जो जानवर हैं उनके बारे में पता चला है। कुछ लोग अपने अपने कुछ कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन बताया गया है कि ये गिनी पिग बोलते हैं इनको, और इसको इसके डिस्पोजल के लिए हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया है और उनसे कॉन्टैक्ट जारी है, और वो उनको कहा गया है कि इनको जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण कराएं।